जून का महीना आधा हो चुका है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस साल, लेकिन उसके बाद भी देखिए हमने अपने गार्डन में इस तरह से ताज़ी ऑर्गेनिक ककड़ियाँ उगाई हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे 30 दिनों के अंदर आप अपने घर में ही इस तरह से ककड़ियाँ उगा सकते हैं बिना किसी खास देखभाल के, बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। आप देख सकते हैं प्लांट में छोटी छोटी बहुत सारी ककड़ियाँ आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी डिटेल शेयर करूंगी कि हमें इस बेल पे क्या केयर करनी है, कैसे पॉट में लगाना है, कैसे क्या कंपोस्ट देनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वाटरिंग कितनी करनी है, व्हाटएवर, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर इस वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने एक महीने की छोटी छोटी क्लिपिंग के साथ आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम जब भी सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का ककड़ियों का ढेर इन दिनों देखने को मिलता है, जिसको देखते ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है। लेकिन इस पानी को लाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में ककड़ी उगाएंगे। उगाने का सिंपल तरीका है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको किसी भी अच्छे बीज स्टोर से ककड़ी के बीज ले लेने हैं। 10-20 रुपए में ये बीज हमें मिल जाते हैं। आपको इनको ओवरनाइट पानी में डिप करके रखना है। अब लगाने के 3 तरीके हैं। पहला, आप टिश्यू पेपर लीजिए, उसमें इन बीजों को रख दीजिए और नमी बरकरार रखिए, 2 से 3 दिन में इनका अंकुरण स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सीड ट्रे में भी एक एक बीज डाल सकते हैं। सीड ट्रे में आप कोकोपीट भर के एक एक बीज लगा दीजिए, 3 से 4 दिन में इस तरह की लीव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब इसमें 2 लीफ ऊपर आ जाए, 3rd लीफ आ जाए, तो आप इसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए। लेकिन मैंने अपने पॉट में डायरेक्टली बीज लगाए थे, ये तीसरा मेथड है। जहाँ मुझे बेल उगानी थी मैंने वहीं बीज लगाए। 4 से 5 दिन बाद मेरे प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरह से थी, और ये है 15 दिन बाद का रिज़ल्ट। मेरे प्लांट बड़े होने लग गए हैं, 5 से 6 पत्तियाँ आ गई हैं। मैंने थर्माकोल की 2 पेटियों में बीज लगाए थे। मैंने कभी एक होल में 2-2 बीज डाले थे, मुझे लगा शायद एक ना लगे तो दूसरा लगेगा, लेकिन दोनों उगे, इसलिए मेरा पॉट थोड़ा घना हो गया। आप चाहें तो इस लेवल पे एक बेल को उखाड़ के दूसरे किसी भी पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर उस समय 50+ था। मैंने 15 मई के आसपास ये बीज लगाए थे और आज है मई की 30 तारीख। तो सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे जो आई वो ये था लीफ माइनर की। 20 दिन बाद देखिए प्लांट में इस तरह से लीफ माइनर मुझे दिखाई देने लग गए। ये इनिशियल स्टेज पे था, इसलिए मैंने उन पत्तियों को तोड़ दिया। अगर आपके प्लांट में ज़्यादा फैल गए हों तो आप इस पर नीम ऑयल का प्रयोग कर लीजिए। ऑल्टरनेट डेज में जब आप नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मुझे ककड़ी की बेल में और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। जब आपके पौधे में ये इस तरह से मेल फ्लावर आने लग जाएं, मेल फ्लावर क्या होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स जो ककड़ी में आते हैं उनको मेल फ्लावर कहते हैं, उनके पीछे किसी तरह की ककड़ी नहीं होती है। मेल फ्लावर आने के 8 से 10 दिन के बाद फीमेल फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं। फिलहाल मेरे सभी पौधों में मेल फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ककड़ी की बेल ने अपनी ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है। बहुत जल्दी बढ़ती है ककड़ी की बेल, 1 महीने में देखते ही देखते ये इतनी घनी हो जाएगी, अब आपकी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देगी। आप पता नहीं चल पाएगा कि इतना जल्दी कैसे हो गया है। अब इतने अच्छे टेम्परेचर के बाद मिट्टी की बात करूँ तो हमें इसके लिए बहुत भुरभुरी मिट्टी बनानी है, मतलब जिसमें पानी रुके नहीं लेकिन नमी बनी रहे। ककड़ी की बेल को नमी बहुत पसंद है, मिट्टी सूखने ना पाए इस तरह से हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जब 4 से 5 पत्ते आ जाएँ तो नीचे की जो 2 लीफ थी ना वो आप हटा दीजिए, और मिट्टी को टच करते हुए जितने भी पत्ते हों बेल के नीचे की साइड के आप वो पत्ते भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में वो रहेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं फंगस आने का डर बना रहेगा। तो टाइम टू टाइम आप ये काम कीजिएगा कि जैसे ही आपको जो पत्ता पीला पड़ता दिखे या मिट्टी को टच हो रहा है तो उस पत्ते को आप रिमूव कर दीजिएगा। पॉट साइज़ की बात मैं करूँ तो इसके लिए आपको कम से कम 12 से 14 इंच गहराई का पॉट लेना है, लेकिन चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप जड़े नहीं जाती, लेकिन चौड़ाई जितनी ज़्यादा आप देंगे इसके पौधे को, मिट्टी जितनी ज़्यादा देंगे आप अपने पॉट में, उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी
और उतना ही बड़ा हमारी ककड़ी का साइज़ निकलेगा। तो मिट्टी भरने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसके लिए पहले भी मैं कई वीडियो बना चुकी हूं जिनका लिंक मैं दे दूंगी, आप देख सकते हैं। उसी मेथड से सभी बेल वाली सब्जियों की मिट्टी हम बनाते हैं। तो ये है 25 दिन बाद का रिज़ल्ट। 25 दिन बाद बेलों की हाइट बढ़ने लग गई है, फूलों की संख्या बढ़ने लग गई है, लेकिन मेल फ्लावर ही आ रहे हैं। अभी तक फीमेल फ्लावर मेरे पौधे में मुझे नहीं दिखे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो तो एक तरीका आप जो आजमा सकते हैं वो ये है कि आप ऊपर की टिप काट दीजिए। टिप काटने के बाद जो अब इसमें शूट्स नहीं निकलेंगी, अगल बगल से जो भी शाखाएं निकलेंगी उसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे। शूट काटने से 2 से 3 दिन बाद आपको इसमें रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पर आपको ये दिख रहा है वहाँ वहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हैं। जब आपके बेल की हाइट 2 से 2.5 फीट हो जाए तो आपको इसमें रस्सियाँ बांध देनी है चारों तरफ ताकि बेल उस पर चढ़ जाए, या फिर आप क्रीपर नेट भी लगा सकते हैं ताकि बेल इजीली ऊपर चढ़ जाए और जो फ्रूट है वो मिट्टी को टच ना करें। मिट्टी को टच करने में फ्रूट सड़ भी सकते हैं। मिट्टी में हमें पानी हर समय बना के रखना होगा ताकि हमारे फ्लावर ड्रॉप ना होने पाए। गर्मी बहुत तेज़ है, अगर मिट्टी का पानी सूख गया तो उसके कारण हमारे फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे और हमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं मिल पाएगी। तो इस तरह से मैंने मचान बनाया है। बाद में मैं इसमें क्रीपर नेट भी लगा दूंगी ताकि मेरी बेल और ऊपर चढ़ पाएगी। अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कंपोस्ट के लिए आपको हर 15 दिन में 2-2 मुट्ठी कंपोस्ट आपके पॉट में डालनी है। कंपोस्ट आप किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट इसको नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 15 दिन में इसमें फीडिंग करवाते हैं तो इसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट आगे देखने को मिल जाएगा। मैंने 31 मई को अपने प्लांट के ऊपर की टिप तोड़ी थी ताकि फीमेल फ्लावर आए। आज मुझे एक फीमेल फ्लावर दिखा। अब मैं इसमें हैंड पॉलिनेशन करने जा रही हूँ। आप मेल फ्लावर लीजिए, उसके थोड़ी सी पंखुड़ियाँ हटा लीजिए, फिर जो फीमेल फ्लावर का ये आपको पार्ट दिख रहा है बस उसमें मेल फ्लावर के परागकण आपको सिंपली इस तरह से लगा देने हैं। येलो कलर के परागकण होते हैं, आप लगा दीजिए। अभी गर्मी का मौसम है, हमारे गार्डन में ज़्यादा कीट पतंगे नहीं आ रहे हैं ताकि वो खुद ही पॉलिनेशन कर सकें। भव्वे हैं, तितलियाँ हैं, हमारे गार्डन में फूल होते हैं तो ये अपने आप आते हैं, अपने आप पॉलिनेशन करते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन इन दिनों थोड़ी सी प्रॉब्लम है गर्मी के कारण, सभी के गार्डन का यही हाल है। तो आपको थोड़ी सतर्कता दिखाते हुए हैंड पॉलिनेशन करना होगा। डेली आपको एक दो नई ककड़ियाँ दिखेंगी आपके प्लांट में। सुबह उसका फूल खिलेगा, आप हैंड पॉलिनेशन कर दीजिए, शाम तक वो फूल सूख जाएगा और धीमे धीमे 2 से 3 दिन में आपको ककड़ी बड़ी मिल जाएगी। तो ये है 3 दिन बाद का रिज़ल्ट। हैंड पॉलिनेशन के 3 दिन बाद देखिए मैंने क्रीपर नेट हमारे बेल के पास लगा दी है ताकि जो बेल है अब इस पर चढ़े। और 3 दिन पहले हमने जो पॉलिनेशन किया था मैं आपको उसका भी रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि देखिए ककड़ी हमारी अब कितनी बड़ी होने लग गई है और प्लांट में मुझे 4 से 5 नई ककड़ियाँ भी बनती हुई दिखने लग गई हैं। तो ये 25 दिन बाद का रिज़ल्ट है। देखिए छोटे छोटे फ्रूट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। मैं अभी आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप हैंड पॉलिनेशन करें। ये देखिए जो हमने ककड़ी पॉलिनेट की थी, हैंड पॉलिनेट की थी, उसका साइज़ अब बड़ा हो गया है और 2 से 3 दिन में ही ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, जिसका भी वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊँगी कि हमने हार्वेस्टिंग कैसे की है। छोटे छोटे फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। अभी पॉलिनेटर्स की कमी है हमारे गार्डन में, तो आप डेली अपनी छत पर जाइए, जहाँ भी आपने पॉट में लगाई है आप हैंड पॉलिनेशन कीजिए ताकि आपका एक भी ककड़ी का फल ख़राब नहीं हो। मेरा दावा है आप इस भरी गर्मी में भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग अपने प्लांट से ले सकते हैं। ककड़ी के 5 से 6 बीज केवल आप लगाइए, सफिशेंट है आपकी फैमिली के लिए। डेली आपको 4 से 5 ककड़ी इजीली मिलेगी। तो आज मैं आपको अपडेट देती हूँ। आज जून की 13 तारीख है, आज हम अपनी फर्स्ट हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सभी बेल बहुत अच्छी कंडीशन में है, स्वस्थ है, किसी तरह का कोई कीट इनमें नहीं लगा हुआ है और जो ककड़ी हमने हैंड पॉलिनेट की थी वो आज तोड़ने वाली कंडीशन में आ चुकी है। तो चलिए हम साथ में हार्वेस्टिंग करते हैं। देखिए ककड़ी का साइज़ कितना बड़ा है, मेरे हथेली के साइज़ से आपको आइडिया हो रहा होगा। मार्केट के साइज़ से आपको छोटा लग सकता है लेकिन ये केमिकल फ्री है, किसी भी तरह का हमने इसमें रासायनिक उपयोग नहीं किया है, घरेलू खाद से ही ये बनी हुई है।
तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसका टेस्ट मार्केट में मिलने वाली ककड़ियों के टेस्ट से एकदम डिफरेंट होगा। और हमारे बेल में और भी छोटी छोटी कई ककड़ियाँ लगी हुई हैं जो आने वाले 3 से 4 दिन में ही पक जाएंगी। ककड़ी का जो फ्रूट होता है बहुत जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी पकता है और हार्वेस्टिंग इसकी हमें जल्दी मिलती है। तो हमें 7 से 8 बेल लगानी चाहिए ताकि हमें डेली तीन चार ककड़ियाँ मिलती रहें और हमारे भोजन की पूर्ति होती रहे। अगर हम खेत में मतलब ज़मीन पे फ्रूटिंग करते हैं तब तो स्पेस काफ़ी होती है, लेकिन कंटेनर गार्डनिंग में स्पेस थोड़ी कम होती है, तो हमें प्लानिंग करके काम करना होता है। ये वीडियो मेरा 28 दिन का अपडेट है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले